हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के 200 क्वेश्चंस की, जो कि हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो स्टार्ट करेंगे हम लोग 133, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन देखने के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, फेलियर ऑफ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट लीड्स अस टू बिलीव दैट, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, ठीक है, सारे बच्चे सही कर रहे हैं, ठीक है, उनके सही मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस सही है, बाकी एक बच्चा जो है वो फेल हो जाता है। तो इस तरह से उसका फेल होने का रीज़न जो है वो क्या है, ये हमें इसमें देखना है, ठीक है। असेसमेंट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज टू क्लियरली आइडेंटिफाई फेलर्स, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा वस्तुनिष्ठ मतलब कोई उसमें बाइसनेस नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। देयर इज़ अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस पेडागॉजी एंड असेसमेंट प्रोसेस, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सम चिल्ड्रन आर डीम्ड टू फेल इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ हार्ड द सिस्टम ट्राइज, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। ये तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन आन वो है रेस्पॉन्स। चिल्ड्रन आर बर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटी एंड डिफिसिट्स, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, देयर इज़ अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस पेडागॉजी एंड असेसमेंट प्रोसेस, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वांट्स टू इंश्योर दैट हर स्टूडेंट आर मोटिवेटेड इंट्रेंसिकली, मोटिवेट हो रहा है वो किसका, इंट्रेंसिकली, ठीक है, एक्सटर्नल से बहुत ही ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वो क्या करेंगी, ठीक है, देखते हैं। स्पेसिफाई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, फोकस ऑन प्रोसेसर ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन रेदर देन ऑन द फाइनल आउटकम, ठीक है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है, ऑफर टेंजिबल रिवार्ड्स, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, प्लान लर्निंग एक्टिविटीज विच इनकरेज कन्वर्जेंट थिंकिंग, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, ठीक है। तो इसका जो क्या करता है वो, फोकस ऑन प्रोसेसर ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन रेदर देन फाइनल आउटकम, वो रिजल्ट की परवाह करे बिना वो काम करता है अपना, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंटेंसिक मोटिवेटेड है, ठीक है। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अ लॉट ऑफ डिबेट सराउंड्स वेदर गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो रही है, तो हैव स्पेसिफिक सेट्स ऑफ एबिलिटीज ड्यू टू देयर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली टू एग्री विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हिंदी में देखते हैं, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों के योग्यताओं को विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं, ठीक है, गर्ल्स आर सोशलाइज टू बी केयरिंग, गर्ल्स जो हैं सोशलाइज होती हैं, केयरिंग होती हैं, वाइल बॉयज़ आर डिस्करेज टू शो इमोशन सच एज क्राइंग, ठीक है। अगर लड़का कोई रो रहा है तो उसको ये बोला जाता है कि तुम रो क्यों रहे हो, ठीक है,
तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम तो लड़के हो, ठीक है। डिस्करेज किया जाता है एक तरह को, ठीक है। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित डिस्करेज किया जाता है, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन नॉट प्ले विद ईच अदर सिंस देयर इंटरेस्ट आर कम्प्लीट अपोजिट। ये तो रॉन्ग है आंसर, ये नहीं होगा इसका। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियों एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियाँ पूर्णतः विपरीत होती हैं। ऐसा नहीं है, खेलते हैं एक साथ भी, खेल सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। ऑल गर्ल्स हैव इनहेरेंट टैलेंट फॉर आर्ट्स वाइल बॉयज़ आर जेनेटिकली प्रोग्राम टू बी बेटर इन एग्रेसिव स्पोर्ट्स, ठीक है। गुस्से या ऐसा कुछ नहीं है। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रमण खेलों, ठीक है, लड़ाई खेलों बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ये भी नहीं है। बॉयज़ कैन नॉट बी केयरिंग, ऐसा नहीं है। बॉयज़ भी केयरिंग सिंस दे आर बर्न दैट वे। लड़के स्वभाव वाले नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई, बहुत केयरिंग करते हैं, गर्लफ्रेंड की बहुत केयर करते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार होते हैं। ये भी नहीं है। इसका जो आंसर होगा ए, इसका आंसर सही लग रहा है, ए आंसर सही है इसका, ठीक है। गर्ल्स क्या होती हैं, ज़्यादा सोशलाइज होती हैं, केयरिंग होती हैं, वाइल बॉयज़ क्या है, टू शो इमोशन सच एज क्राइंग, अगर रोता है तो उसको डिस्करेज किया जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा ए, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखते हैं अब मेजर डिफरेंस बिटवीन, मेजर डिफरेंस क्या है बिटवीन, बहुत ही फेमस थ्योरी पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोट्स की, बहुत ही फेमस थ्योरी जो है इनकी, वाइगोट्स की और पियाजे, वाइगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी जो थ्योरी थी उसमें डिफरेंसेस की, ठीक है, पहले तो मेजर डिफरेंस तो उसमें ये था जो उन्होंने दी थी वाइगोट्स्की ने, वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे, उस वो करते थे रसिया से बिलोंग करते थे वाइगोट्स्की, और जो पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, ठीक है, और जो अगर रसिया में थी वो डेमोक्रेसी उस टाइम में, इसलिए उन्होंने जो सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया था कि उन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन के जरिए बच्चे का डेवलप उससे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अगर इनको हम मेजर डिफरेंस इसमें देखा जाए, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, बिहेवियरिस्टिक से इनका कुछ नहीं है। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग द नेयरिंग नर्चरिंग हो गए, नर्चरिंग इन्वायरमेंट टू चिल्ड्रन, देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, जो डिफरेंसेस थे उनके बेसिकली लैंग्वेज एंड थॉट में उनमें डिफरेंसेस थे। देयर कॉन्सेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, इसका आंसर तो है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ठीक है। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि उनके दृष्टिकोण कैसे थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज, ठीक है, एंड थॉट की, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हम पियाजे की, पियाजे ने जो बात करी थी बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, उनके उसके दिमाग में लैंग्वेज कैसे उसके दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बात करी थी ईगो सेंट्रिक स्पीच की, जब बच्चा छोटा होता है वो क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, ईगो सेंट्रिक स्पीच की, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ डायरेक्टेड, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा वो महत्व देना, ठीक है, अपने आप के बारे में सोचना। मेंटल एक्टिविटी के जरिए वो सीखता है, मेंटल एक्टिविटी की बात करी थी, कॉग्निटिव मेंटल जो कि दिमाग से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, मेंटल एक्टिविटी। और इन्होंने जो बोला था जो लैंग्वेज का जो रोल होता है, लैंग्वेज एंड थॉट का जो क्या होता है, बहुत ही लिटिल रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, लिटिल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो थे किसके, पियाजे के, ठीक है, जो व्यू पॉइंट से पियाजे के ये मैंने बताए। अगर हम वाइगोट्स्की की बात करें, इधर मैं बता देता हूँ वाइगोट्स्की के, वाइगोट्स्की के क्या व्यू पॉइंट थे, वाइगोट्स्की के व्यू पॉइंट्स किस पे, लैंग्वेज एंड थॉट पे, कैसे लैंग्वेज एंड थॉट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। इन्होंने बात करी थी स्पीच की, प्राइवेट स्पीच, तीन स्पीच की बात करी थी, थ्री स्पीच नहीं, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, सोशल स्पीच, तीन स्पीच की इन्होंने बातें करी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या था,
प्राइवेट स्पीच जो है एक ये है सेल्फ टॉक, मतलब अपने खुद से बातें करता है बच्चा, सेल्फ टॉक। जब बच्चा कुछ काम सीख जाता है, फिर जैसे छोटे स्कूटर होते वो चलाना सीख जाता है, तो बच्चा खुद से हूँ तो खुद से बातें करता हो, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। और जो इसमें इन्होंने बताया था जो लैंग्वेज का होता है मेजर रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मेजर रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये थे इनके व्यू पॉइंट जो कि अलग अलग थे, जो डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो हमने सीखे हैं, इनके व्यू पॉइंट्स ये हैं, वाइकॉट्स की गई हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। द फैक्टर व्हाट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट बीइंग अ सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिविजुअल वुड भी, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। इन्होंने बात करी है खुद की, सेल्फ अवेयर की बात करी है। अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, आपको कॉन्सेप्ट उसके जो एक एक इंटेलिजेंस है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। म्यूजिकली तो नहीं होगा, सेल्फ की बात करूँ मैं बता दूँ, एक जो बताई थी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक बताई थी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताऊँगा। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटर का जो मतलब है इंटर और इंट्रा, ठीक है। इंटर जो है समझ लो, जहाँ इंटर हो रही है वहाँ दो लोगों के या दो चीज़ों के बीच में बात हो रही है, टू, ठीक है। और इंट्रा जो है वो वन, जो खुद सेल्फ के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। जो इसका जो आंसर होगा बेसिकली इंट्रा पर्सनल होगा इसका आंसर, ठीक है। म्यूजिकल नहीं है और स्पिरिचुअल भी नहीं है, लिंग्विस्टिक भी नहीं है, इंट्रापर्सनल। इसका जो आंसर होगा डी, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम जो है कक्षा, द टीचर वो टीचर को क्या करना चाहिए, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा के रूप में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी, हमें देखना है। इनकरेज करेगी स्टूडेंट को टू कम्पीट विद द ईच अदर ऑफ द मार्क्स टू फैसिलिटेट लर्निंग, के भाई कंपटीशन कराएगी मार्क्स के बीच में, ऐसा तो नहीं कराएगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, डिमॉन्स्ट्रेट करेगी व्हाट सी एक्सपेक्ट हर स्टूडेंट टू डू द गिफ्ट्स एंड देन गिव्स देम गाइडेंस टू डू द सेम, वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना तथा बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या फिर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब होता है अपॉइंट करना, एक तरह से अपॉइंट मतलब उस पर लागू करना, इस तरह सच मेथड विन इन विच लर्नर्स आर इंकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग, वे अपने विद्यार्थियों से इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कि उसे प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा ही करने के लिए निशा निर्देश देना। ये तो सेम इन्होंने लिख दिया है, अच्छा ये सेम ही है, एक ही है इन्होंने, ठीक है या तो करें इम्प्लॉय करें उन सच मेथड, कोई भी मेथड को उन पर लागू करें इन विच द लर्नर इनकरेज करें टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है, यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड देन असेस द लर्नर्स फॉर देयर अटेंटिवनेस, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना, बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है इसका सी ही सही है, ठीक है, सच मेथड इन विच लर्नर इनकरेज करना, ठीक है, टू टेक इनिशिएटिव देयर ओन लर्निंग, जो अपनी लर्निंग का वो खुद इनिशिएटिव ले सकें, इसका जो ऑप्शन होगा सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के मेजर क्रिटिसिज्म क्या थे, ठीक है, तो इनके क्रिटिसिज्म थे वो क्या थे वो हमें देखना है इसमें, ठीक है। तो इनके मैं बता देता हूँ, पहले जो इनकी रिसर्च थी ना, जो रिसर्च कंडक्ट हुई थी
वो पूरा जो सैंपल था पूरा एंटायर किस पे हुई थी, विद मेल सब्जेक्ट पर हुई थी। उन्होंने वुमेन की वुमेन की बात नहीं करी थी, जो क्रिटिसाइज मेजर क्रिटिसिज्म तो यही था इनका। तो इसमें जो इसमें सी ऑप्शन है ना 139 का सी, कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मॉरल रीजनिंग। कल्चरल डिफरेंस क्या होता है इन मॉरल रीजनिंग में ऑफ मैन एंड वुमेन के अंदर। तो ये जो है इनका मेजर इनका क्रिटिसिज्म था, याद रखिएगा इसका, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, इनको इन्होंने इंकरेज नहीं किया, इनको इम्फेसाइज नहीं किया, ठीक है, दोनों को लेके नहीं किया कि मैन में कैसा है वुमेन में कैसा, जो कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, जो देखने को मिलते हैं। तो इनका सी ऑप्शन है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज द प्रपोज वाई वर्ड्स की, फिर आ गया वाई वर्ड्स के क्वेश्चन। तो आपको की पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से इसको कर दोगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाई वर्ड्स की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करना है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, इंडिपेंडेंट नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड लैग बिहाइंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, ये भी नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट इज सिनोनियमस विद लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। ये क्या, डेवलपमेंट इज सिनोनियम्स विद लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, सिनोनियम्स मतलब एक सेम ही है, थोड़ा थोड़ा जैसे सिनोनियम्स आता था, ठीक है। देखो जब लर्निंग होगी तो उसका डेवलपमेंट भी होगा ही होगा, ठीक है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है समझ लर्निंग भी हो रही है, तो एक ये सिनोनियम्स वर्ड है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो आंसर है इसका सी आंसर सही है, विकास अधिगम का सर्वनाथक है, समान अर्थ है विकास का और लर्निंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग स्टूडेंट मेंबर्स ऑफ द क्लीनलेस कम्युनिटी। कम्युनिटी की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, कम्युनिटी होते सोसाइटी होगी, ठीक है। क्लीनलेस सफाई रखना सोसाइटी में, टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है। देखती आपको स्ट्राइक करना चाहिए क्या, डी सोशो कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, इसका जो आंसर होगा डी इसका सही होगा। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच नहीं होगा, ह्यूमनिस्टिक नहीं है, कॉग्निटिव अप्रोच नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जव सेज द लैंग्वेज डेवलपमेंट जो इन्फ्लुएंस करता है वंस इननेट प्रीडिस्पोजिशन, जो इननेट एबिलिटी होती है बाय बर्थ जो होता है इस उससे होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। सोनाली फील करती है दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट से दिस डिस्कशन बिटवीन द अर्जव एंड सोनाली इज अबाउट। अगर आपको आपने ये पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया इसको, फॉरन स्ट्राइक कर जाएगा नेचर एंड नर्चर डिबेट। आर्जक तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि प्रवेश से प्रभावित होता है। अर्जव एंड चर्चा के बीच, अगर जहाँ भी ये तुम्हें डिस्कशन आ जाए, डिबेट आ जाए, तो हमारी इसमें बस एक ही है, नेचर नर्चर डिबेट, याद रखिएगा। अगर तुक्का भी लगाना है आपको, नेचर नर्चर डिबेट पे लगाना है, जहाँ पर जेनेटिक की और हेरिडिटी या जेनेटिक या इन्वायरमेंट की बातें हो रही है और डिबेटेबल होगी, ये डिबेट हो रही है उस पर, ठीक है, डिबेट हुआ डिस्कशन हुआ, तो इसका जो आंसर होगा नेचर एंड नर्चर डिबेट होगा, जो कि इसमें दिया हुआ है हमें, कौन सा सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थे कुछ जो हमने करें, आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे आगे वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।